अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए ट्राउज़र का एक और लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट लिया है, इस पर इसके नीचे मैंने इस तरह से देखिए बुकरम को पेस्ट कर लिया है। मैंने 9 इंच की बुकरम पेस्ट की है। इस एक पार्ट की हम लेंथ और विड्थ 1-1 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने इस पर पिनटेक्स डालने हैं। ये देखें, इस तरह से हमने ऐसे इस पर पिनटेक्स डालेंगे। ये मेरे पैंचे की फ्रंट साइड है। एक पिनटेक्स डालने के बाद हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे इसके बराबर और यहाँ पर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। सेम इसी तरह से हमने पिनटेक्स डालने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 7 पिनटेक्स डाल लिए हैं। पिनटेक्स डालने के बाद ये मैंने अपने पैंचे के दोनों पार्ट्स लिए हैं। दोनों पार्ट्स को ऐसे रख कर हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई हमने ऊपर तक लगानी है। इस तरह से मैंने सेंटर वाली सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसको हम डबल करके विड्थ वाली साइड पर हम इस पर मार्क करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पर, और इसकी हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे ऐसे 2 इंच पर। मार्क करने के बाद अब दोनों मार्क को हमने ये देखें इस तरह से मिलाना है। यहाँ से हम गुलाई कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम बुकरम को डबल करेंगे और अब यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को कट कर लेंगे। इस तरह से बुकरम को कट करने के बाद हम इन दोनों को फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब ये मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर रखकर हम यहाँ से बुकरम के साथ साथ से इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। ऐसे मैंने टोटल 5 टैडी किए हैं। ये देखें, इस तरह से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बुकरम के साथ साथ से उसको कट करेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद अब इसको ऐसे डबल करेंगे और यहाँ नीचे से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड से ऐसे कट करेंगे हल्का हल्का सा, और फिर इसको ऐसे हमने सीधा करना है। इसकी नोक हम किसी भी चीज़ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने हार्ट की शेप बना लेनी है। ऐसे मैंने काफ़ी सारों को रेडी कर लिया है। टोटल मैंने 5 रेडी किए हैं। अब इनको रेडी करने के बाद ये मैंने फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक के नीचे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इसकी विड्थ इस तरह से 3.5 इंच है और इसकी लेंथ है 10 इंच। अब इसके ऊपर हम सेंटर में इन हार्ट्स की शेप को ऐसे रखेंगे। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद सेंटर से स्टिच करेंगे। सबको ऐसे ही रखकर हमने स्टिच करनी है। यहाँ पर देखें मैंने सबको स्टिच कर लिया है। इन पांचों को स्टिच करने के बाद अब ये मैंने अपना एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी इस तरह से लेंथ 10 इंच है और इसकी विड्थ है तकरीबन 4.5 इंच। इसको डबल करके इसके एक साइड पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे वाली साइड पर। यहाँ पर ये देखें, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने मार्क करने हैं 1.3 इंचिस पर। मार्क करने के बाद यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इस बॉक्स को हम कट कर देंगे। बुकरम को कट करने के बाद इसको ये देखिए मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ उसको हम ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद अब डबल करके इसके सेंटर में हम फोल्डिंग लाइन बना लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद ये मैंने अपना पैंचा लिया है, दोनों का सेंटर मैंने बना लिया है। इसका सेंटर में यहाँ पर हम कट लगा देंगे और अब दोनों का सेंटर बराबर रखकर पहले हम सेंटर से स्टिच करेंगे इसको और अब हम बुकरम के साथ साथ से स्टिच कर लेंगे।
दोनों साइड से देखें मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अब दोनों कॉर्नर्स में हम नोचिस लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इस बुकरम को रॉन्ग साइड पर ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने अपने पांचों को प्रेस कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम इस बॉक्स के अंदर इस तरह से रख कर सेट करेंगे और यहाँ नीचे से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें ऐसे। दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही स्टिच करना है। ये देखें अब इस साइड से स्टिच करेंगे। दोनों साइड से देखें मैंने स्टिच कर लिया है बॉक्स के अंदर डिज़ाइन को। और अब ये मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 इंच चौड़ा। पैंचे को हम इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक पैंचे का ऐसे डबल करेंगे और इसके ऊपर रखकर इस फैब्रिक को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को स्टिच करने के बाद अब इस फैब्रिक को हमने यहाँ से स्टिच करना है ऐसे फोल्ड करके। और अब इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पर फोल्ड करके नीचे से हम हैंड स्टिच कर लेंगे यहाँ से। और ये लास्ट में देखें मेरे पांचे का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।